मम्मा आज क्या बना रहे हो? आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च और लहसुन का इंस्टेंट अचार। ठीक है जो मिर्चें हैं ये 100 ग्राम मिर्चें हैं, ये तीखी नहीं है, बिल्कुल फीके वाली मिर्चें हैं, ठीक है और 15-20 कलियां लहसुन की हैं। ठीक है लाल मिर्च और नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे। आधा चम्मच मेथी दाना है, 1 चम्मच सौंफ है, और 2 चम्मच नींबू का रस है, और 1 चम्मच ऑयल है। और ये ये हींग है हमारी। ठीक तो है सबसे पहले मैं सौंफ और मेथी दानों को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ठीक है। खुशबू आ रही है, ये ड्राई रोस्ट हो गया हमारे सौंफ और मेथी। मैं इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इतने हम मिर्च और लहसुन को फ्राई करते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच ये ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं मिर्च और लहसुन इकट्ठा ही डाल दूंगी। ठीक है। इनको हम हल्का फ्राई करेंगे। ये कितनी देर पकाना है? ये 2 मिनट पकानी है। हल्की मिर्चें सोटी हो जाए, थोड़ा सा लहसुन में कच्चापन निकल जाए, क्योंकि इंस्टेंट अचार है। मिर्च और लहसुन हमारी हो गई। अब मैं डाल रही हूँ नमक, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। कश्मीरी लाल मिर्च फीकी होती है, ज्यादा तीखी नहीं होती वो। ये सिर्फ कलर के लिए है ये? हाँ, सिर्फ कलर के लिए। थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब हमारा ये जो ड्राई मसाला था सौंफ और मेथी, इसको मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं मेथी और सौंफ का पाउडर डाल दूंगी, और साथ ही 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अच्छा, ये ग्राइंड किया हुआ मेथी पाउडर था? हाँ, और नींबू का रस बिल्कुल लास्ट में डालें, जो फ्लेम ऑफ करने के बाद, अदरवाइज कड़वा हो जाएगा अचार आपका। देखिए कितना अच्छा कलर आया, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, जल्दी तैयार हो जाता है। पूड़ी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएं आप, सफर के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो ये देखिए हमारा ये अचार, इंस्टेंट अचार आम, इसका मिर्च, लाल मिर्च, हाँ लाल मिर्च और लहसुन का बन के तैयार है। और आप इसे इजीली 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। आप इसे कांच के जार में रखिए, और उसमें अगर आप चम्मच डाल रहे हैं तो वो चम्मच बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला चम्मच नहीं होना चाहिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, परांठों के साथ और पूरी के साथ, किसी के साथ भी आप इवन इसे सफ़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।